नमस्कार, मैं स्वाति और आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। रीवा जिले के गढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम टिकुरी 32 में संचालित केनरा बैंक में घुसकर अज्ञात बदमाशों ने लॉकर को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए। उसके बाद पास ही संचालित सराफा दुकान का ताला तोड़कर लाखों के जेवरात पार कर दिए। आपको बता दें कि इन दिनों रीवा शहर में गुंडागर्दी हावी है। यहाँ आए दिन चोरी लूट जैसी वारदात सामने आती रहती हैं। वहीं शहर में बढ़ते अपराधों को देखते हुए पुलिस व्यवस्था पर भी अब सवाल खड़े होने लगे हैं, क्योंकि अपराधी इन दिनों बेखौफ हो चुके हैं। आए दिन इस प्रकार के मामले सामने आते रहते हैं। वहीं आपको बता दें कि मामले की सूचना लगते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और घटनास्थल का निरीक्षण कर अज्ञात आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। देखिए, ये थाना गढ़ में आए हैं राजकुमार सोनी जी हैं और धर्मेंद्र प्रताप सिंह जी हैं। सोनी जी के दुकान में चोरी हुई है और इनके खेत में मोटर की। मैं बात करता हूँ, आपका नाम क्या है भैया? राजकुमार सोनी। पिता का नाम? जी छोटेलाल सोनी। कहाँ के निवासी हैं? मनका हरी। दुकान कहाँ है आपकी? टिकुरी मॉल। क्या क्या चोरी गया है? चांदी और थोड़ा सोना था। कितने लागत का गया होगा? करीब 1 लाख के करीब गया। सूचना कैसे मिली आपको? फोन द्वारा मिली, सुबह 6 बजे। जाके देखे आप, कैसे चोरी हुई है? जाके देखे, तब्बर से वो अंदर कटर तोड़े हुए थे और उसको खोल के अंदर गए। अच्छा अच्छा, अपना के नाम का है भैया? अपना के का हुई जो है मोटर की थी। कै हार्ड पावर क्या रहा? खेत में लगा रहा? हाँ, खेत में लगा रहा, समर्सियल 3 हार्ड पावर 20। हाँ, उठाए लगे पूरा? पूरा उठा लगे जी। अपना के गाँव में कैठे चोरी भाई काल? हमारे गांव में मोटर दू चाहिए, 2 मोटर के। एक सोनी जी के चोरी भय, एक केनरा बैंक में भय, बैंक में 4 चोरी भय। 4 चोरी। ये चोरी कैसन कहाँ से बाहर आए कि हुआ? नशेड़ी की जमघट लागत नहीं है, पूरा मुहान रहा। टिकुरी में कहा नशा के कारोबार होते है? अब यह तो हम ना बता पाऊँ, वैसे कि हम नशा करता हूँ नहीं, हम कब उनका साथ हूँ नहीं करी। अच्छा, यह मालूम नहीं आया जी। ठीक ठीक। कल आप कितने बजे बैंक खोले थे? बैंक तो वही जो टाइम है 10:30। हाँ, 10:30। फिर बंद कितने बजे हुआ? 6:45। 6 बजे बंद हुआ? 6:45। और फिर आप लोग घर चले गए? हाँ, सुबह सूचना मिली? कोई सामान या कोई क्षत ज़्यादा नहीं हुई है, बस लाकर का वो तोड़े हैं और हाँ। सामान कुछ तोड़ फोड़ किए हैं, ज़्यादा नुकसान और नहीं हुई है? राश की नहीं हुई है? राश की नहीं हुई है। कोई सामान भी उठा के नहीं ले गए हैं, रजिस्टर या ऐसा कोई चीज़ नहीं कि अभी उसका मिलान कर रहे हैं, फिर बाद में पता चल पाएगा? अभी तो देखेंगे कि क्या क्या वो है, मिलान करने के बाद ही बताएंगे क्या गया है। ठीक।